सो हेलो गाइज, दिस इज प्रखर अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज, आज एक बार हम लोग फिर से आ चुके हैं द गेम शॉप हजरतगंज जनपद मार्केट लखनऊ में, और हमारे साथ हैं भैया। तो भैया क्या कहना हेलो चाहेंगे? एवरीबॉडी, सबको पहले बहुत 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 थैंक यू है। आप लोग पूरे लखनऊ यूपी ही नहीं, पूरे इंडिया से प्रकार अपने लोग को ऑर्डर्स आते हैं, तो दिस इज़ ऑल व्हाट लव इज़ फ्रॉम द गेमर्स। और हम लोग आई एम डीपली ऑनर्ड, मैं बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ सारे गेमर्स का जो द गेम शॉप को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहें। थैंक यू सो मच, आपको जेन्युइन प्रोडक्ट, जेन्युइन एडवाइस एंड जेन्युइन प्राइसेस पे मिलेगा। तो और भैया, जैसे कि समर वेकेशंस आ रहे हैं और होली का फेस्टिवल भी आने वाला है, तो हमारे गेमर्स के लिए क्या बढ़िया ऑफर होने वाला है? बस प्रखर वीडियो चालू करते हैं राइट फ्रॉम रेट्रो, मतलब जिनका बजट कम है और लोग गेम्स खेलना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के गेम्स खेलना चाहते हैं, वहां से लेके प्लेस्टेशन 5 तक सब कुछ है अपने सब कुछ पास। है और बड़ी ऑफर्स होने वाले बड़े हैं ना, ऑफर्स भी होने वाले हैं प्रखर, तो तो उससे निश्चिंत रहिए आप वीडियो लोग। से बने रहिए। कहीं से चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाँ जी भैया, तो कहाँ से स्टार्ट होने वाला है? सबसे चैंपियन प्रोडक्ट है, बजट आपका कम है, आपको किसी को गिफ्ट करना है, अगर बच्चे की एज 5, 6, 7, 8, 10 ईयर्स है, या आप नॉस्टैल्जिक पुराने गेम्स खेलना चाहते हैं, तो दिस इज द डिवाइस। ये इम्प्रूव होके आया है प्रखर इम्प्रूव हो इसमें। गया। हाँ, ये एक डिवाइस है जो कि HDMI पोर्ट पे आपकी लग जाती है। अच्छा, ऑलमोस्ट PlayStation 3 थीम बेस इसके कंट्रोलर्स हैं, वाओ, आप लोग देख सकते हैं, ये तो HDMI ये है? HDMI पोर्ट पे आपकी लग जाती है। इसमें ओहो, ये ऑलमोस्ट डायरेक्ट टीवी के HDMI में लग जाएगी? बिल्कुल वाओ, इसमें ऑलमोस्ट 10,000 गेम्स होते हैं। ये डिवाइस पहले भी आती थी, बट इसमें क्या होता था प्रखर, पहले PlayStation 1 की गेम्स लैग करते थे, तो ये अभी इम्प्रूव्ड UI के साथ आया है, जिसमें PlayStation 1 के गेम, जिसमें स्पेशली Tekken 3 है, वो सब हैंग नहीं होता है। बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं या पुराने ज़माने के गेम्स खेलना चाहते हैं, जैसे कि सेगा है, मामे मामे है, हैं। 8-bit है, Nintendo 64-bit है, बहुत सारे कॉन्सोल्स इसके अंदर हैं। टोटल ऑफ 10,000 गेम्स हैं, 10,000 गेम्स दस हैं। हज़ार नॉन रिपीटेड गेम्स हैं इसके अंदर, और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। आप लोग लेना चाहते हैं तो पैन इंडिया डिलीवरीज की अवेलेबल है, लखनऊ में भी गेम शॉप पे आके ले सकते हैं। 2499 चाहे आप डिलीवरी का प्राइस लीजिए और चाहे आप स्टोर पर आके लीजिए, आप लोग 2499 के टू प्राइस फोर पे नाइन नाइन में बहुत ही बिल्कुल बढ़िया इसको ले प्रोडक्ट सकते है। हैं। और प्रखर इसके साथ कुछ लोग ये क्वेश्चंस करते हैं, भैया इसकी वारंटी गारंटी क्या होती है? तो ब्रदर, वारंटी गारंटी इस प्रोडक्ट की नहीं आती। अगर नहीं होती इतने है। गेम्स के साथ कोई प्रोडक्ट आएगा वारंटी के साथ, तो 10,000 प्लस हो जाएगा। ये प्लस हो ट्वेंटी जाएगा। फाइव हंड्रेड रुपीज़ का प्रोडक्ट है। कोई खराबी आती है तो गेम शॉप हमेशा सपोर्ट करता है, 2-4-10 दिनों में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करके देते हैं। लंबे टाइम के लिए कोई प्रॉब्लम आती है 100% रिपेयर हो जाता है, चाहे वो कंट्रोलर खराब हो वो भी नए मिल जाते हैं, स्टिक में प्रॉब्लम आए वो भी हो जाता है, तो उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। बजट अगर आपका कम है या आप किसी को बर्थडे गिफ्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट बेस्ट चॉइस, 2499। 2499। ओके, तो भैया बहुत लोग रेट्रो और पोर्टेबल गेमिंग के लिए भी कहते हैं, तो उसके लिए क्या कोई बढ़िया सा प्रोडक्ट बहुत है? बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया है। पहली बात तो पहले पोर्टेबल आते नहीं थे, जो आते थे वो टेट्रिस बेस्ड गेम्स हुआ करते थे, वो बहुत ख़राब क्वालिटी के होते थे। अभी ये RS 36 करके एक बढ़िया प्रोडक्ट है, एमोलेड स्क्रीन है इसके ऊपर, और इसके अंदर सारे रेट्रो सब कुछ, सब कुछ मामे से लेके PSP तक है। प्रखर तुम डेमो अगर देना ये चाहते हो, देखिए, GTA वाई सिटी GTA अगर तुम Vice चाहो तो City, एक डेमो चला के देना चाहो तो कस्टम अपने ये गेमर्स को दे देखिए, सकते हो। ये देखिए, पूरा फील लीजिए गाइस, ये देखिए, इतनी सी स्क्रीन में GTA Vice City एकदम सेम वही फील देख सकते हो, इसकी क्वालिटी। और पीछे भी यहाँ पे आपको बटन सारे मिल जाएंगे, L1, L2, R1, R2। ये यहाँ पे बैटरी लगी है, यहाँ पे इसके पोर्ट्स हैं, सारे सारे कंट्रोल्स हैं ये। वाओ, इसके अंदर कितने गेम्स होने वाले हैं भैया? More than 10,000 गेम्स हैं इसके अंदर, और इसके अंदर खासियत ये है कि PSP के 3D गेम्स भी आप प्ले कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग ने देखा है। तो Tekken 6,
टेकन डार्क, असासिन्स क्रीड, प्रिंस ऑफ पर्सिया, गॉड ऑफ वॉर, ये सारे गेम्स इस पे चलेंगे। तो जिन लोगों को पीएसपी के लिए परेशान रहते हैं, पीएसपी नहीं मिल रहा है क्योंकि पीएसपी अब बहुत खराब बहुत क्वालिटी के खराब आने लगे क्वालिटी हैं, आ गया। तो आप पीएसपी की जगह इस प्रोडक्ट को लीजिए, चैंपियन प्रोडक्ट है, क्वालिटी इज वेरी गुड, एमलेड स्क्रीन है, पहले एमलेड नहीं आती थी, एमलेड स्क्रीन आ गई है, ग्राफिक्स आर गुड, L2 R2 बटन है, 3800 mAh की बैटरी है, इसका मतलब ये है मिनिमम 5 आवर्स का बैकअप देगा ही फाइव देगा किसी आवर्स हालत में। तो भैया क्या बेस्ट प्राइस इसका होने वाला है? 5500 रुपीज़ का है, आप लोग इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, अल्टीमेट प्रोडक्ट है अगर आपको पोर्टेबल गेमिंग करनी है। मैंने कभी एक आध दिन पहले, मुझे सेगा का सेगा मेगा ड्राइव का ब्रांडलारा बहुत पसंद था, तो उसमें ये भी गेम भी था, तो मैं बहुत देर तक खेलता रहा। तो आई थिंक अगर आप पोर्टेबल गेमिंग करना चाहते हैं तो चैंपियन प्रोडक्ट है सही। 5500 में गाइस क्या चीज़ है, मज़ा आ जाएगी, एकदम एंड यूनिक चीज़ है, न्यू प्रोडक्ट है एकदम। इतने सारे गेम्स की एंडलेस है ये। हाँ जी गाइस, आप प्ले स्टेशन से स्टार्ट करते हैं और उसमें भी प्रियोन कैटेगरी से, तो भैया बताइएगा। सब लोग को पता है PS3 बहुत समय से बंद हो चुका है, बट स्टिल ये मोस्ट वैल्यूबल कंसोल है क्योंकि GTA 5 को प्ले करता है। GTA 6 आने वाला है, 10 ईयर्स अप्रॉक्स हो चुके हैं, स्टिल GTA 5 प्ले करता है। आप अब ये उम्मीद मत करिए कि PS3 आप लोगों को एकदम मिंट मिलेंगे, क्योंकि मिंट का काम खत्म हो काम गया, खत्म हो गया। ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स, 10 ईयर्स की लाइफ हो चुकी है, तो प्रोडक्ट आपको एवरेज क्वालिटी के ही एवरेज मिलेंगे। क्वालिटी, हाँ बढ़िया, हाँ तब भी अच्छी क्वालिटी है। हाँ मतलब कई बार बहुत खराब आती है, कई बार एवरेज आ जाती है, कई बार बिल्कुल नहीं चले हुए आ जाते हैं, केस टू केस वेरी करता है। PS3 10 से 13 हज़ार रुपये के ब्रैकेट में अवेलेबल दस है। से 13,500 के हाँ, बीच में। जो 160 GB या 250 GB के कंसोल्स पुराने वाले स्लिम हैं, वो तुमको 10 हज़ार 11 हज़ार की रेंज में मिल जाते हैं। सुपर स्लिम रिपेयर्ड पीस अगर कोई लोगे तो 11 से 10, 11, 12, 10.5, रिपेयर्ड हाँ पीस, रिपेयर्ड पीस, नॉन रिपेयर्ड 12.5-13 हज़ार की रेंज में मिल जाता है। रिपेयर्ड का मतलब ये हुआ किसी में थर्मल पेज चेंज हुआ, किसी का HDMI जैक खराब हुआ, तो उस तरह के रिपेयर प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं मिल अगर रहे आप हैं। लोग ऐसा लेना चाहते हैं तो। और वो जो जो कि नॉन रिपेयर्ड अगर होगा भैया, एक्सीलेंट बढ़िया तेरह कंडीशन, हजार के आसपास आपको तेरह हजार मिलेगा, के टॉप आसपास। नॉच विद गेम्स लोडेड, कॉपी कंट्रोलर ओरिजिनल नहीं मिल रहे हैं बिल्कुल भी, अच्छा। आर टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मिलते हैं वो रिपेयर किए हुए होते हैं, कस्टमर के लिए दौड़ते ही रहते हैं, तो इट इज़ बेटर की बात सच्ची बात बोल के अपफ्रंट हाँ, बात बोली अपफ्रंट जाए। बात बोले। ओके, तो PS3 के बाद भैया आते हैं PS4 फैट पे। PS4 फैट अगर कोई जना लेना चाहता है, अभी बहुत रिसेंटली हम लोगों ने सस्ते बेचे भी हैं, जो रिपेयर्ड पीसेज होते हैं प्रखर, वो 12 से 12.5 हज़ार में मिल जाते हैं। मैं ऑनेस्ट बात होके बोल रहा हूँ, उन पे मेरी वारंटी नहीं है कोई, आपकी वारंटी नहीं है। क्योंकि वो रिपेयर्ड पीसें आप सस्ता ढूंढ रहे हैं तो हाँ सस्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी, आप OLX पे जाते हैं तो वहाँ पर हाँ सस्ता ढूंढते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। 12.5 हज़ार की रेंज में रिपेयर्ड पीसेस PS4 मिल जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। नॉन रिपेयर्ड लेना चाहते हैं 15 हज़ार की रेंज में फैट मॉडल आपको मिल जाएगा, 15,000 हाँ में। 15 हज़ार में 500 GB, और कई कई बार बिल्कुल नए भी आ जाते हैं, अच्छा, जो बिल्कुल नए होते हैं मतलब किसी ने लिया शौकिया और यूज़ नहीं किया, यूज ही नहीं वो करा रखा हज़ार हुआ। डेढ़ हज़ार प्लस माइनस पे आप लोगों को मिल जाते हैं। अच्छा, अगर नॉन रिपेयर्ड जो भैया जैसे लेते हैं तो उसकी तरफ, उसकी आपकी तरफ से कुछ वारंटी मिलेंगे? 45 डेज से 60 डेज के ऊपर, फैट पे हम लोग 45 डेज कवर करते हैं, स्लिम पे हमने अब 60 डेज कवर करना चालू कर दिया अच्छा, वारंटी अगर को, नॉन रिपेयर्ड अगर आप कुछ भी लेंगे तो उस पर 45 डेज तो मिनिमम आपको वारंटी और मिलेगी। PS3 पे 30 डेज की है PS3 पे 30 डेज की नॉन वारंटी रिपेयर्ड की। नॉन रिपेयर्ड की। हाँ, ओके, तो अब आते हैं भैया PS4 स्लिम के ऊपर। PS4 स्लिम भी अपने पास 17 से 20-21 हज़ार रुपये की रेंज में मिल जाते हैं, डिपेंड सब कुछ करता है कि उनके कंट्रोलर की कंडीशन कैसी है, कंसोल कितना पुराना है, क्या वो रिपेयर किया हुआ है, क्या थर्मल पेस्ट खत्म हो गया है, क्या फ़ैन ओवर हीट कर रहा है, क्या आवाज़ कर रहा है, क्या केबल्स ओरिजिनल हैं कि नहीं है, अच्छा, तो जो भी प्रॉब्लम है सब आप बता के सब कस्टमर को कुछ देंगे। 17 से 20-21 रेंज में है, तो वो इट इज़ योर चॉइस एंड योर डिसीजन टू मेक कि आप क्या लेना चाहते हो। तो आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, अगर आप रिपेयर्ड लेना चाहते हैं, कम बजट है तो आप वो ले सकते हैं, और नॉन रिपेयर्ड लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले बिल्कुल, सकते वो हैं। टोटली आपकी चॉइस है। अब तो वैसे तो लोग पहले बहुत जेल ब्रेक के लिए भागा करते थे, अभी तो प्ले स्टेशन ने अपने मेंबरशिप प्लान लॉन्च कर दिए हैं, तो जेल ब्रेक की ज़रूरत ही नहीं है। 750 रुपये महीना खर्च करिए, अनलिमिटेड गेम्स को अनलिमिटेड डाउनलोड करिए, गेम्स GTA 5 जैसा गेम उसके ऊपर फ्री है। फ्री है। तो इसकी वही फोर्टी सत्रह फाइव से नहीं 60 डेज नॉन सिक्स रिपेयर्ड, 60 डेज की वारंटी, रिपेयर्ड पे वी डोंट कवर एनी वारंटी, 17,000 से। 21 हज़ार की बीच ब्रैकेट में, मतलब ओके, डिपेंड 500 GB है, 1 TB है, कंट्रोलर कैसा है, लिमिटेड एडिशन कंट्रोलर है, और साथ में बॉक्स और एक्सेसरीज सब होंगी। सब होंगी। बॉक्स अगर किसी का ओरिजिनल कस्टमर ने दिया है तो वो मिलेगा, अदरवाइज कॉपी बॉक्सेस नए लगे हुए मिलते हैं, वो ओके डुप्लीकेट बॉक्सेस होते हैं लेकिन ओके बॉक्सेस नए होते हैं। ओके चलिए, तो गाइस PS5 भी आया हुआ है प्रियोन में, इसके बारे में बताइएगा भैया। 4-5 पीस से अभी फिलहाल तो एक ही पीस बचा हुआ है, और ओनली 3799 पर है, 3 मंथ्स इन वारंटी है, बॉक्स पैक है, कंट्रोलर ओरिजिनल है, केबल सारी ओरिजिनल है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो 3799 के ऊपर कंडीशन देख लो, वेंट्स वगैरह की प्रखर, एकदम मिंट एकदम कंडीशन है, क्लियर। बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है।
बढ़िया। और 3 महीने 3 महीने की वारंटी है पूरी थ्री इसमें। मंथ्स की वारंटी है, अगर बचता है तो आप लोग ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड यूनिट्स आते हैं, जो बेच भी रहे होते हैं ना प्रखर, वो लोग भी प्रॉपर प्राइसेस बहुत ज़्यादा मांग रहे होते हैं, तो हमको भी ये कंसिडर करना है कि कुछ पैसे हमको भी बचें और कस्टमर को भी वैल्यू फॉर इसका मनी बिल मिले, वारंटी कार्ड सब है ना सब साथ कुछ। में? हम मेरा दिस इज हमारे स्टोर का ही बेचा हुआ है, अच्छा अच्छा तो आपको चलिए पूरी प्रॉपर वारंटी ही ओके। मिलेगी। हाँ जी गाइस, सो अब आते हैं एक्सबॉक्स के ऊपर, तो भैया बताइएगा। सीरीज एस और एक्स एकदम मेंट है प्रखर, तुम कंडीशन देख रहे हो, इमैकुलेट कंडीशन में है, आउट ऑफ वारंटी हो चुके हैं, बट बेयरली यूज प्रोडक्ट्स हैं। 2 मंथ्स की गेम शॉप इस पे वारंटी कवर करेगा, 2 मंथ्स की टू मंथ्स की वारंटी। प्रॉपर कवर करेगा। क्वालिटी एंड कंडीशन आप लोग अगर चाहें तो एक बार थोड़ा सा पास से दिखा हाँ दें। ये देखिए एकदम परफेक्ट कंडीशन गाइस। बिल्कुल प्रॉपर सील्ड पैक है। सीरीज एस में मेरे पास काफ़ी पीसेज हैं, एक्स मेरे पास सिर्फ एक ही बचा हुआ है, तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं, सीरीज एस बॉक्स्ड बॉक्स 20,000 रुपीज़ का है, 20,000 रुपए का बीस आउट हज़ार ऑफ रुपये वारंटी। आउट ऑफ 2 मंथ्स वारंटी गेम शॉप की, हाँ 2 मंथ स्टोर स्टोर वारंटी, वारंटी। सीरीज एक्स 35,000 रुपीज़ का, 35,000 का। बिल्कुल मिंट और अच्छी कंडीशन के कॉन्सोल्स हैं, ये केवल केवल शौकिया लेकर बेचे गए हुए कॉन्सोल्स हैं, तो अगर आप लोग को प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव गेम्स का बहुत शौक नहीं है नहीं है तो ये दिस इज द बेस्ट बेस्ट चॉइस चॉइस। करंट में। 20,000 रुपये में आपको PS4 और एक्सबॉक्स सीरीज एस, तो आप यू कैन मेक अ डिसीजन अगर आपको वो गेम्स नहीं खेलने हैं तो तो। ओके, तो अब आते हैं भैया। निंटेंडो स्विच लाइट, निंटेंडो स्विच वर्जन 2 और निंटेंडो स्विच ओलेड, तीनों मॉडल्स अवेलेबल हैं प्री ओन्ड में, प्रियोन में ओनली 12,000 रुपीज़ लाइट, 12,000 रुपए का लाइट, 12,000 रुपये का लाइट है फ्रेंड्स। क्या बात नया है। अगर लेना चाहते हैं 17,500-18,000 रुपये के आसपास है। ओके वर्जन 2 बिल्कुल नया, रेयरली यूज, अच्छी कंडीशन का रेली प्रोडक्ट है, यूज, ये हाँ देखिए गाइस। परफेक्ट कंडीशन का कंसोल है, क्या एंड प्राइसिंग ओनली बताएंगे? 15,000 रुपीज़ 15,000 रुपए का जी, वर्जन 2, वर्जन 2। क्या बात है। हाँ जी भैया, तो अब क्या दिखाने वाले हैं? सबसे पहले VR दिखाते हैं, जब से विजन प्रो आया है एप्पल का, मेटा क्वेस्ट तो एकदम धूम मचाने लगा है, तो मेटा क्वेस्ट 2 और मेटा क्वेस्ट 3 जो कि बहुत अच्छे VRs हैं, आप लोग गेमिंग के लिए कॉन्सोल्स की ज़रूरत नहीं होती है उनके अंदर। और मेटा क्वेस्ट 2 में आपको मेटा अकाउंट जो फेसबुक से भी या फिर फेसबुक से डायरेक्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं, और आपको गेम्स डिजिटली परचेज करने पड़ते हैं, और बहुत सारे जो गेमर्स हैं जो हमारे यहाँ आते हैं और मेटा लेते हैं, हम उनको पूरा उनका अकाउंट सेटअप तक गाइड करते हैं अच्छा, उनको। पूरा सेटअप गाइड इट इज़ करके आप नॉट कि देते हम आपको ले लिया बस बस बॉक्स पैक, हैं। आप जाइए करिए, नहीं, यू जाइए। विल कम हियर, हम आपको पूरा गाइड करेंगे, आपको इंस्टॉल करके दिखाएंगे। मेटा क्वेस्ट 2 ओनली 28,000 से 29,000 रुपीज़ के बीच में मिल जाएगा। प्राइस ओके, वेरी इसलिए करता रहता है क्योंकि ये ग्रे मार्केट प्रोडक्ट ग्रे है, मार्केट इट प्रोडक्ट डज है। नॉट कम विद बिल, तो अगर आप मेटा क्वेस्ट 2 लेना चाहते हैं तो 28 से 30 के बीच में आपको मिल जाएगा, सील पैक बॉक्स 128 GB। और मेटा क्वेस्ट 3 अगर लेना चाहते हैं तो वो भी 49 से 51, 52 के बीच में वैरी करता रहता वेरी है प्राइस, करता वो है भी आपको मिल जाएगा। ओके और G923 तो एकदम लेटेस्ट थ्रस्ट फोर्स के साथ है लॉजिटेक का, अगर आप लोग को ड्राइविंग सिमुलेटर का शौक है और एक अच्छा सेटअप लेना चाहते हैं तो 41,000 रुपीज़ में आपको G923 मिल जाएगा 41,000 रुपीज़ में, जी। क्या बात है। और भैया प्लेस्टेशन का VR 2, हाँ VR 2 अगर ऑफिशियल हम लोगों के पास अवेलेबल है, जो हॉराइजन बंडल है 62,000 रुपीज़ MRP है, डिस्काउंट करके 58 का पड़ेगा, और जो ओके विदाउट गेम है वो 58 MRP है, डिस्काउंट करके 55,500 का पड़ेगा फिफ्टी आपको। फाइव फाइव इसमें हंड्रेड का हॉराइजन फॉल ऑफ द माउंटेन का डिजिटल कोड है, वो आप अपने अकाउंट पे रिडीम कर सकते अच्छा, हैं। इसके साथ ये कितनी वारंटी होगी भैया? 1 ईयर की कंप्लीट वन रिप्लेसमेंट ईयर की वारंटी होती है। कंप्लीट वारंटी। ओके हाँ जी गाइस, तो अब आते हैं ब्रांड न्यू PlayStation 5 पे, तो भैया बताइएगा इसके बारे में। हमेशा से डिमांडिंग प्रोडक्ट है ये, पिछले 3 साल से, और अभी भी चैंपियन है सोनी का। PS5 पे ऑफर चल रहा है राइट नाउ, जिसके ऊपर लगभग मान के चलिए आपको 6 से 8,000 रुपीज़ के आसपास का डिस्काउंट ऑफर हो जाएगा, 6-8 हज़ार ये का डिपेंड डिस्काउंट। करता है कौन सा मॉडल आप लेना चाह रहे हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी का बंडल जिसकी MRP 59,390 है, ये हम लोग के यहाँ से 54,000 रुपीज़ ओनली आपको मिल जाएगा, 54,000 में कॉल ऑफ ड्यूटी बंडल। हाँ, और ये कट वाला स्टॉक नहीं है प्रखर, तुम समझते हो कि कट क्या होता है, जी और कट में क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर एक डील्स आती हैं, डील्स आने पे कस्टमर ने वहां पर उस समय उसको बाय कर लिया, कोई शॉपकीपर्स जो होते हैं, और बाद में उसको इन्फ्लेटेड प्राइसेस के ऊपर बेचते हैं या GST चोरी करके बेचते हैं। तो ये अच्छा प्रॉपर सोनी इंडिया का द गेम शॉप इज रजिस्टर्ड इन प्ले स्टेशन इंडिया डीलर लिस्ट, यू कैन गो एंड वॉच देयर,
और प्रॉपर आपको हमारे यहाँ से लेने पे 1 ईयर की वारंटी मिलती है, सेल सपोर्ट मिलता है, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है तो वी डू आपको सपोर्ट प्रॉपर तरीके से। जो कॉल ऑफ ड्यूटी का बंडल है राइट नाउ 54 का मिल जाएगा, क्रिकेट बंडल लेना चाहते हैं आप लोग तो 52,000 रुपीज़ का मिल फिफ्टी जाएगा, टू थाउजेंड का क्रिकेट बंडल, स्टैंड अलोन लेना चाहते हैं तो 51,000 रुपीज़ का मिल जाएगा, 51 का स्टैंड अलोन विदाउट एनी गेम, विदाउट एनी गेम 51 का है, 52 का ये है, और अगर 54 का फीफा के साथ 53 का है, फीफा के साथ 53 का है। हाँ तो अगर आप तीनों बंडल्स में से चारों बंडल अवेलेबल हैं, आप जो भी लेना चाहते हैं, क्वांटिटी आप लोग देख ही सकते हैं कि बहुत सारी देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे इतनी सारी क्वांटिटी लगी हुई है, क्वांटिटी का कोई इशू ही नहीं है PS5। आप लोग ऑफिशियल स्टोर्स को प्रखर, एक मैं अभी तुम्हें एक डिटेल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि कैसे अनऑफिशियल स्टोर से लेने पे वारंटी कैसे वॉइड होती है। अच्छा, तो तुम एक स्क्रीनशॉट कहीं लगाना चाहो तो लगा देना। तो आप लोग भी सोच समझ के लीजिए, जहां से भी ले रहे हैं ये जरूर वेरीफाई करिए कि वो स्टोर क्या प्लेस्टेशन का ऑथराइज स्टोर है, क्योंकि आज आपने 2-4 हज़ार रुपए के चक्कर में अगर अनऑथराइज स्टोर से प्रोडक्ट खरीद लिया, सस्ता ले लिया, सस्ता आपने ले लिया, आप वारंटी कैसे क्लेम करोगे? अच्छा, कंट्रोलर की वारंटी होती है, कंसोल में कोई प्रॉब्लम हो जाए वारंटी होती है। तो मेक श्योर टू बाय द प्रोडक्ट, आप मुझसे लें, सोनी सेंटर से लें, अमेजोन से लें, फ्लिपकार्ट से लें, कहीं से भी लें, एक ऑथराइज स्टोर से जरूर लें। अच्छा, अनऑथराइज लेने में क्या वारंटी रिजेक्ट हो जाती है? मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, तुम लगा देना तो तुम्हें वो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझ में आ जाएगा। अच्छा, वारंटी क्लेम नहीं होगी? नहीं होती है, क्योंकि अच्छा, सोनी का एक डेटाबेस है। सोनी ये प्रोडक्ट को रीसेल करने के लिए नहीं देता है कि आपने GST की चोरी करी और सस्ता करके बेच दिया। तो वो वैसा सपोर्ट भी आपको भी सोचना चाहिए कि गेम स्टोर चलाने पे कितनी मेहनत है, क्या कैसे लागत लगती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं कि ऐसे आप लोग भी चीजों को समझेंगे कि क्या अंतर है दोनों चीजों के अंदर। डे वन रिलीज पे हम लोग गेम्स प्रोवाइड करते हैं सारे के सारे, राइज ऑफ द रोनिन का भी जैसे परसों की रिलीज है, गेम्स पोस्टर हमारे पोस्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आता है तो हम सारे गेमर्स को देते हैं विदाउट ये बोले हुए कि आप हमसे ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। तो जस्ट कि आप लोग को नॉलेज होनी चाहिए कि क्या कट और विदाउट कट में क्या क्या डिफरेंस है। ओके, और आगे चलते हैं, बहुत लंबा वीडियो कवर होने को आ गया है। सीरीज X और S भी ब्रांड न्यू में अवेलेबल है अपने पास, ब्रांड न्यू में। अगर आप सीरीज S ग्लोबल लेना चाहते हैं तो 29,000 रुपीज का है, ग्लोबल पे इंडियन वारंटी क्लेम नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। वो दिखाता है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे, बट एट द टाइम ऑफ क्लेम वो ये बोल देता है प्लीज गो टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन, ओके, तो वारंटी आपकी क्लेम नहीं होती है। 29 का सील पैक डब्बा सीरीज S इंडियन लेना चाहते हैं जिसपे ऑफिशियल 1 ईयर की वारंटी होती है 35,000 रुपीज का, 35,000 का इंडियन यूनिट विद वारंटी, विद वारंटी। सीरीज एक्स बिल के साथ अवेलेबल है अपने पास, ग्लोबल नहीं है, 46,000 रुपीज ब्रांड न्यू, 46,000 ब्रांड न्यू इंडियन विद बिल विद वारंटी, विद 1 ईयर वारंटी। ओके, प्रखर परसों राइज ऑफ द रोनिन रिलीज हो रहा है और ये एक्सक्लूसिव मैट फिनिश ओरिजिनल, क्या बात है, राइज ऑफ द रोनिन का पोस्टर सारे गेमर्स के लिए फ्री है। आप कुछ ले रहे हो और चाहे ना ले रहे हो तो गेम शॉप के हजरगंज स्टोर पे विजिट करिएगा और आके एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ले लीजिए, कोई कॉस्ट नहीं है आप, और इसमें कुछ ये भी नहीं है कि आपने हमसे कुछ लिया है कि नहीं लिया है, बस आइए स्टोर पे और इसको ले लीजिए। तो गाइस, सारे ऑफर्स आपको दे दिए, सारी डिटेल्स आपको बता दी, बाकी आपको कुछ भी परचेज करना हो तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट करिए, और द गेम शॉप का इंस्टाग्राम चैनल भी आपको दिख रहा होगा, वहां पे भी जाके फॉलो करिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।